देश के कई राज्यों से कोयले की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में कोयले की कमी हुई है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले कोयले के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा रेलवे द्वारा कोयले को पहुंचाने में हो रही देरी भी इसकी एक वजह है। यूक्रेन जंग को 51 दिन बीत चुके हैं। इस बीच यूक्रेनी हमले का शिकार रूस का मिसाइल दागने वाला वॉरशिप डूब चुका है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने गुरुवार देर रात कहा कि यूक्रेन में सैन्य अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त होने के बाद वॉरशिप मोस्क्वा ब्लैक सी में डूब गया। जहाज को टू करने के दौरान संतुलन बिगड़ने से ऐसा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। वे जम्बूरी मैदान में होने वाले वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान के ठीक सामने 5 हेलीपैड में से किसी एक में शाह का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। जम्बूरी मैदान में 1,00,000 से अधिक लोगों के हिसाब से व्यवस्थाएं की जा रही है। आप सरकार पंजाब की जनता के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की पहली गारंटी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। 16 अप्रैल को भगवंत मान के सीएम पद पर होने का 1 महीना हो जाएगा। इस अवसर पर सीएम भगवंत मान कल पंजाब की जनता के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि कल पंजाब में 300 यूनिट की फ्री बिजली का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र के लाउडस्पीकर विवाद का शोर अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ये विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यूपी के अलीगढ़ में युवा क्रांति मार्च के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क क्षेत्र में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया।